बट प्रेगनेंसी किट में आप ये गारंटी नहीं कर सकते कि आप तो आपका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल फॉल्स रिजल्ट होगा। डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि आप हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त गरिमा और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या हम प्रेगनेंसी किट को दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। सो, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, जैसे ही हमारे पीरियड्स मिस होते हैं तो हमें ये दिमाग में आता है कि कहीं हम प्रेग्नेंट तो नहीं है, एंड उसके लिए हम बाज़ार से प्रेगनेंसी किट लेकर आते हैं। कुछ लोग जो होते हैं जिनको पता नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होती, वो प्रेगनेंसी किट एक लेकर आ गए और अगर टेस्ट उनको लगता है कि सेटिस्फैक्ट्री नहीं है या फिर वो कन्विंस नहीं है टेस्ट के रिगार्डिंग, तो वो दोबारा से प्रेगनेंसी किट को यूज़ करना चाहते हैं। बट अब वो लेकर तो आए हैं एक ही किट, अब उसमें क्या करते हैं लोग कि उस सेम प्रेगनेंसी किट को अगर उन्होंने मॉर्निंग में उस प्रेगनेंसी किट को यूज़ किया है उन लेडीज़ ने, तो वो दोबारा से उसी में ही यूरिन पास करेंगे और सेम जो किट यूज्ड किट है उसको यूज़ करेंगे, जो कि तरीका बिल्कुल गलत है। आप यूज़ तो कर सकते हो प्रेगनेंसी किट, बट प्रेगनेंसी किट में आप ये गारंटी नहीं कर सकते कि आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो ठीक आएगा। प्रेगनेंसी किट अगर आप दोबारा से इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं आएगा। यूपीटी किट्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, बहुत ज़्यादा यूरिन सेंसिटिव होती हैं। उसमें आपको गारंटेड है आपका जो टेस्ट का जो भी रिज़ल्ट है, पॉजिटिव या नेगेटिव, फॉर श्योर एक बार में आता है। तो आप हमेशा कभी भी प्रेगनेंसी किट को यूज़ करें तो उसको एक ही बार इस्तेमाल करिए, बार बार इस्तेमाल उसको बिल्कुल नहीं करना है, वरना आपको जो आपका एक्यूरेट रिज़ल्ट है वो बिल्कुल नहीं आएगा। डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि आप प्रेगनेंसी किट को एक ही बार ही यूज़ करना चाहिए, बार बार सेम किट को यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके दो रीज़न से, एक तो आपको एक्यूरेट रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, दूसरा जब आप प्रेगनेंसी किट को दोबारा से इस्तेमाल करते हैं उसमें जब आप पहली बार इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि वो एक लाइन जो है छोड़ जाता है, या तो अगर आपका नेगेटिव है तो सी पे लाइन छोड़ जाएगा, अगर आपका पॉजिटिव है तो सी और टी पर दोनों लाइन छोड़ जाता है। अगर उसको दोबारा से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको एक्यूरेट रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, और जब वो अगर लाइन छूट गई है तो आपका जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल फॉल्स रिज़ल्ट होगा, यानी कि आपका जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं होगा, आपको पता नहीं चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। सो हमेशा यही कोशिश करिए कि जब भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट करें और आपको दो बार करना हो या तीन बार, जितनी बार भी आपको रिपीट करना हो, दो बार करना हो या तीन बार करना हो, तो हमेशा नई जो किट है, न्यू किट है, उसका इस्तेमाल करें, हर बार नई किट का इस्तेमाल करें, क्योंकि प्रेगनेंसी किट जो है वो इजीली अफोर्डेबल है, बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं आती है। तो एक्यूरेट रिज़ल्ट के लिए, अपनी मेंटल पीस के लिए आप प्रेगनेंसी किट जो है वो बार बार इस्तेमाल नहीं कीजिए। हमेशा जब भी आपको टेस्ट करना है तो नई प्रेगनेंसी किट का ही इस्तेमाल करना है। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट्स अपने मेरे साथ में ज़रूर शेयर करें। मैं कोशिश करूँगी कि आपको जल्द से जल्द आपको रिप्लाई कर सकूँ। सो देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।